नमस्कार, मैं प्रिया। आज 2 सितंबर चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,38,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1928 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 1,38,265 पर पहुंच गई है। वहीं अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 103, अरवल में 26, औरंगाबाद में 39, बांका में 22, बेगूसराय में 70, भागलपुर में 86, भोजपुर में 21, बक्सर में 24, दरभंगा में 43, पूर्वी चंपारण में 58, गया में 37, गोपालगंज में 55, जमुई में 33, जहानाबाद में 32, कैमूर में 15, कटिहार में 51, खगड़िया में 15, किशनगंज में 41, लखीसराय में 21, मधेपुरा में 52, मधुबनी में 113, मुंगेर में 28, मुजफ्फरपुर में 83, नालंदा में 48, नवादा में 15, पटना में 298, पूर्णिया में 71, रोहतास में 22, सहरसा में 61, समस्तीपुर में 41, सारण में 46, शेखपुरा में 33, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 41, सिवान में 27, सुपौल में 77, वैशाली में 25, पश्चिम चंपारण में 38। वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,21,601 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 709 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में दरोगा बहाली परीक्षा की तारीख हुई जारी। बिहार में दरोगा बहाली परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है, जिसके तहत अब यह परीक्षा 11 अक्टूबर को राज्य के 13 जिलों में बनाए गए केंद्रों में आयोजित करवाई जाएगी। आपको बता दें, बीपीएसएससी ने दरोगा और सहायक के 2,446 पदों के लिए आवेदन की मांग की थी। आयोग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि बिहार पुलिस में दरोगा के 2,064 और सर्जन अक्षर अवर निरीक्षक और परिचारी के 215 पदों पर भर्ती की जानी है। आयोग ने यह भी साफ कह दिया है कि विभाग के अधीन सहायक जेल अधीक्षक के 167 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं सहायक जेल अधीक्षक के 42 पदों पर पहले से काम कर रहे सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। एसएससी के 8वें चरण की भर्ती का आवेदन शुल्क जमा कराने के लिए अभ्यर्थियों को दिया गया एक और मौका। कर्मचारी चयन आयोग ने फेज 8वें भर्ती परीक्षा के तहत 1,355 पदों के लिए हुए आवेदन प्रक्रिया में आवेदन शुल्क जमा करवाने के लिए उम्मीदवारों को एक और मौका दिया है, जिसके तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एसएससी की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 8 भर्ती के लिए चालान से फीस जमा करने की आखिरी तारीख 25 मार्च 2020 थी, मगर कोविड-19 की वजह से कई छात्र फीस जमा नहीं कर पाए थे, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 5 सितंबर तक कर दिया गया है। कमला बराज बनाने के लिए मिली अनुमति। मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर बनने वाले बराज को बनाने की अनुमति मिल गई है, जिस पर अब 406 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया गया है। साथ ही इसमें 1.10 लाख एकड़ में सिंचाई किए जाने की बात भी कही गई है, पर बराज का पहला स्टीमेंट 363 करोड़ का है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इसे अत्याधुनिक तरीके से बनाने का निर्देश दिया है, जिससे राशि बढ़ाई जा सकती है। विभाग ने मुख्यमंत्री को निर्देश पर बराज का स्टीमेट तैयार कर लिया है। योजना अभी लोक वित्तीय समिति के पास है, वहां से पास होने के बाद आगे का काम किया जाएगा। यह ऑटोमेटिक बराज होगा, जिसका संचालन मशीन से होगा। इंडियन आइडल के 12वें सीजन में बिहार के अभिषेक प्रियदर्शी का हुआ चयन। सोनी टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले इंडियन आइडल के 12वें सीजन के लिए भागलपुर जिले के अभिषेक प्रियदर्शी का चयन हो गया है, जिसकी सूचना मिलते ही उनके घर पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। शहर के कोट कंपाउंड निवासी अभिषेक ने इंडियन आइडल के ऑडिशन राउंड में चयन होने की जानकारी दी है। अभिषेक प्रियदर्शी पेशे से एक प्राइवेट टीचर है। अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया है कि वो शुरू से ही गाने के शौकीन थे। कई बार उन्होंने रियलिटी शो के लिए अलग अलग शहरों में जाकर ऑडिशन भी दिया था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। इस बार इंडियन आइडल के लिए तैयारी कर रहे थे। आपको बता दें कि अभिषेक ने अपने 2 अलग अलग गानों की वीडियो क्लिप को ऑडिशन के लिए भेजी थी, जिसके आधार पर उनका चयन हो गया है। विधानसभा चुनाव का लोगो हुआ जारी। आगामी विधानसभा चुनाव 2020 के लिए जिला प्रशासन ने नया लोगो जारी कर दिया है, जिसमें नया संदेश लोगों को दिया जा रहा है। संदेश में लिखा गया है, शहद सुगम और सुरक्षित, जो कि कोविड-19 को ध्यान में रखकर लिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोविड-19 से बचाव करते हुए कैसे चुनाव संपन्न करवाया जाता है। लंबे समय से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है, और कोविड-19 की समस्या को देखते हुए स्थिति में बिहार में चुनाव हो पाएगा या नहीं, मगर चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है कि बिहार में होने वाले चुनाव तय समय पर ही होंगे। हालांकि प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है। जदयू की वर्चुअल रैली की तारीख में हुआ बदलाव। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 6 सितंबर से जदयू की वर्चुअल रैली की शुरुआत होने वाली थी, मगर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के गुजर जाने के बाद पूरे देश में शोक का ऐलान किया गया है, जिसके बाद चुनावी रैली को टाल दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो वर्चुअल रैली 6 सितंबर के बजाय एक दिन आगे 7 सितंबर से शुरू होने वाली है। इसके लिए जदयू एक डिजिटल मंच जदयू लाइव.com बनाया गया है।
संजय कुमार ने पदभार संभालते ही शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने का दिया आश्वासन। बिहार शिक्षा विभाग में शिक्षकों का नियोजन और हाल ही में लागू सेवा शर्त नियमावली समेत अन्य कई चुनौतियों के बीच बिहार शिक्षा विभाग ने प्रधान सचिव संजय कुमार ने बीते दिन से अपना नया पद संभाल लिया है, जिसके तहत उन्होंने मौजूदा चुनौतियों को लेकर कहा है कि बहुत जल्द मौजूदा समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा, जिसके तहत अब शिक्षकों की सेवा शर्त सुधार और नियोजन मामले में तेजी आने की पूरी संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग इन दिनों शिक्षकों का नियोजन और हाल ही में लागू सेवा शर्त नियमावली के प्रमुख मुद्दे समेत कई समस्याओं से जूझ रही है। वहीं बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी भी कॉलेज में दर्ज की गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सुहासिनी मुलय के बारे में। सुहासिनी मुलय को बॉलीवुड, मराठी, आसामीज कई फिल्मों में देखा गया है। वहीं उन्हें उनके काम के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। यह अवार्ड उन्हें 1999 में आई गुलजार की फिल्म हू तू तू में काम करने के लिए मिला था। अपनी अदाकारा से उन्होंने अपनी पहचान बॉलीवुड में बनाई है। इसके साथ ही सुहासिनी का जन्म 20 नवंबर 1950 को राजधानी पटना में हुआ था। वहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई पटना से ही पूरी की थी। उनके पिता भी फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे। 1965 में उन्हें सबसे पहले पियर्स सोप में मॉडलिंग करने का मौका मिला था। यहीं से उन्हें भुवन शोम की फिल्म साइन की थी। इसके बाद उन्होंने 1975 में सत्यजीत रॉय के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। उनके निर्देशन में बंगाली फिल्म बनाई गई थी, जिनके बाद उन्होंने मृणाल सेन को असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में असिस्ट किया था। इसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों में भी काम किया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती के माता पिता से हुई पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत मामले में गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती के माता पिता से बीते दिन पूछताछ की गई है, जिसके तहत पुलिस के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं सीबीआई इस मामले में पहली बार रिया के माता पिता से पूछताछ कर रही है। आधिकारिक जानकारों की माने तो रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और माता संध्या चक्रवर्ती सुबह 11 बजे कलीना स्थित डीआरडीओ के अतिथि गृह पहुंचे थे। उनके कार के साथ पुलिस का एक वाहन भी था। सीबीआई जांच दल इसे अतिथि गृह में ठहरा हुआ है, जहां पर सुशांत के पिता ने पटना में जो मामला दर्ज करवाया था उसमें रिया और उनके माता पिता का नाम भी शामिल था। पटना को डुबोने के आरोप पर अनुपम सुमन ने दी सफाई। पटना में हुए जलजमाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा पटना नगर निगम के पूर्व आयुक्त अनुपम सुमन को जिम्मेदार बताते हुए उनके खिलाफ भारत सरकार को पत्र जारी कर दिया गया है, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा लिखे गए पत्र का जवाब देते हुए पटना में प्रेस वार्ता के दौरान अपनी सफाई उन्होंने पेश की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा उन पर जो भी आरोप लगाए गए वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। पहली बात तो पटना में जलजमाव के समय में नगर आयुक्त के पद पर वो थे ही नहीं, और वहीं मैंने शुरू से ही साफ कहा था कि पटना में ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, अगर जमकर बारिश होगी तो जलजमाव होना तय है। वहीं पटना नगर निगम के पूर्व आयुक्त अनुपम सुमन ने बिहार को अपना सीएम कैंडिडेट बताकर चर्चा में आने वाले पुष्पम प्रिया चौधरी के पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद बीते दिन साझा की है। जदयू के नए पोस्टर से पटा पटना। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जदयू के नए पोस्टर को जारी कर दिया गया है, जिसके बाद नए पोस्टर और नए नारों के साथ पूरे पटना के गलियारे में जदयू का रंग ही देखने को मिल रहा है। जदयू दो दो हाथ करने की पूरी तैयारी में आ गई है, जिसके तहत इस बार नीतीश कुमार की पार्टी ने नीतीश में विश्वास, बिहार में विकास का नया नारा गढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ बीते दिन से पटना की गलियों में बिहार की पुकार फिर से नीतीश कुमार के नारे के साथ में हाईटेक चुनावी रथ भी देखा गया है। अब ऐप के माध्यम से कर्मचारी को मिलेगा मतदान केंद्र की ड्यूटी की जानकारी। आगामी विधानसभा चुनाव को स्मार्ट तरीके से करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसके तहत अब चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन एक ऐसा ऐप तैयार करने जा रही है, जिससे चुनाव में लगे पदाधिकारी और कर्मचारी को काफी सुविधा मिलने वाली है। इसमें ऐप के माध्यम से पदाधिकारी और कर्मचारी को आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस मतदान केंद्र पर क्या व्यवस्था होने वाली है, उनकी ड्यूटी कहाँ लगाई गई है। नया ऐप बनाने का काम NIC द्वारा किया जा रहा है। AIMIM में 50 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का किया ऐलान। आज सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में भी 50 विधानसभा सीटों पर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। पटना के होटल कौटिल्य में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद के पूर्व मेयर माजिद हुसैन और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने उन 18 सीटों के नाम की घोषणा की है, जिस पर पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारने वाली है। गौर करने की बात यह है कि इसके पहले पार्टी ने 32 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया था, मगर इस बार 50 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार कर बिहार में NDA को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है। बिहार के 3 मेडिकल कॉलेज में हर दिन 2,325 सैंपल की होगी जांच। बिहार के 3 मेडिकल कॉलेज में हर दिन 2,325 सैंपल की जांच करने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए RT-PCR और ट्रूनेट मशीन से तैयारी की जा रही है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने संबंधित जिलों के DM और सिविल सर्जन को निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ICMR के निर्देश पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर SKMCH को हर दिन 1,050, दरभंगा स्थित DMCH को 850 और बेतिया स्थित GMC को 425 सैंपल की जाँच करने का लक्ष्य दिया गया है।
आनंद किशोर अगले 3 सालों के लिए बिहार बोर्ड के बने अध्यक्ष। एक बार फिर से बिहार सरकार ने आनंद किशोर को अगले 3 सालों के लिए बिहार बोर्ड के अध्यक्ष बना दिया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है और बताया है कि अधिकारी आनंद किशोर को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पद पर 25 सितंबर 2020 के प्रभाव से अगले 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पुनर्गठन इसके प्रभाव से अगले 3 साल के लिए कर रहा है। चुनाव में अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर खर्च होने वाले पैसों को किया गया जारी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए भारी तादाद में अर्धसैनिक बलों को तैनात किए जाने वाले हैं, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर खर्च के लिए इस बार कितने पैसे जारी किए जा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार 122.37 करोड़ रुपए का प्रावधान फिलहाल जारी किया गया है। इतनी बड़ी राशि अर्धसैनिक बलों की स्थापना, उनके कार्यालय और वाहनों के ईंधन पर खर्च की जाएगी। बिहार पुलिस की तैनाती और उस पर होने वाले खर्च को अलग से जारी किया जाएगा। कोविड 19 के माहौल में जदयू ऑफिस पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कोविड 19 के माहौल में पहली बार बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे थे, जहां पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी भी मौजूद दिखाई दिए। जदयू सांसद ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ कार्यालय पहुंचे थे। वहीं सभी नेता जदयू के नए कार्यालय में चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे थे। वहीं जदयू के नए कार्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रूम भी तैयार किया जा चुका है, जहां पर जदयू का पुराना कार्यालय स्थित है उसी के बगल में यह नया कार्यालय बनाया गया है। तेजस्वी यादव को लगा एक और करारा झटका। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लगातार राजद को एक के बाद एक झटका लग रहा है। इसी क्रम में बीते दिन तेजस्वी यादव समेत पूरे राजद को एक बार और झटका लगा है, जब सत्ताधारी जदयू के तेजस्वी यादव के एक और विधायक को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय के तेघड़ा से राजद के विधायक वीरेंद्र कुमार बीते दिन जदयू में शामिल हो गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद ललन सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल करवा दिया है। वहीं अब कुल मिलाकर तेजस्वी के 7 MLA और 5 MLC ने अपना पाला बदला है, जिसके बाद राजद की परेशानी बढ़ गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बताया झूठा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर लगातार केंद्र और राज्य सरकार को लेकर कई आरोप लगाते रहे हैं, जिसके तहत एनडीए से अलग होने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा केंद्र सरकार को भी लगातार निशाने पर लेते देखे गए हैं। कुशवाहा ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए सरकार को झूठा करार दिया और लिखा है कि बिहार सहित देश भर में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार झूठे राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कब तक। पूरे विधि विधान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए प्रणब मुखर्जी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी को पूरे विधि विधान के साथ अंतिम विदाई दे दी गई है, जहां पर बेटे अभिजीत मुखर्जी ने अपने पिता को अंतिम संस्कार किया। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने प्रणब मुखर्जी को उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पर श्रद्धांजलि दी है। राजनीतिक जीवन में उन्होंने चीन भारत संबंधों में भी सकारात्मक योगदान दिया था। इतना ही नहीं, प्रणब मुखर्जी कई बार बिहार दौरे पर भी आ चुके हैं। साल 2017 में वो बिहार पर 3 बार अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए पहुंचे थे। रवि किशन ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देशभर में सिनेमा घरों को खोलने का दिया सुझाव। गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फिल्मों को फिर से शुरू करने की बात कही है, जिसके बाद उन्होंने सिनेमाघरों को सोशल डिस्टेंसिंग और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ खोले जाने की अनुमति के लिए आग्रह किया है। रवि किशन ने एक पत्र जारी किया है और कहा है कि पूरे देश में जितने भी सिनेमाघर हैं, चाहे वो सिंगल स्क्रीनिंग हो या मल्टीप्लेक्स हो, वो सभी बंद है। इससे सिनेमा उद्योग से जुड़े लोगों को नुकसान हो रहा है, साथ ही राज्य में कई लोगों के रोजगार और जीविका पर भी परेशानी आ गई है, इसलिए सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। IPL के दौरान 20,000 से अधिक कोविड 19 जांच करवाने में BCCI को आएगा करोड़ों रुपए का खर्च। IPL के 13वें संस्करण की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं संस्करण में इस बार संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करवाया जा रहा है। 9 सितंबर से शुरू हो रहे टूर्नामेंट को लेकर BCCI ने काफी प्रबंध किए हैं। कोविड 19 जैसे हालात का ध्यान में रखते हुए BCCI ने यह इंतजाम किया है। मिली जानकारी के अनुसार BCCI टूर्नामेंट के दौरान 20,000 से अधिक कोविड 19 जांच करवाने वाली है। खास बात यह है कि BCCI यह सभी जांच अपने खर्चे पर करवाने वाली है, जिसके लिए BCCI को 10 करोड़ का खर्च आएगा। और करने की बात यह है कि जब टीम भारत में थी तब खिलाड़ियों की जांच IPL की फ्रेंचाइजी टीमों ने अपने पैसे से करवाई थी, लेकिन 20 अगस्त से RT-PCR जांच करवा रही है। ट्विटर ने जारी किया कोट ट्वीट का फीचर। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर कोट फीचर लाइव कर दिया गया है। कुछ समय पहले तक यह फीचर टेस्टिंग के फेज में था, वहीं अब यह आधिकारिक हो चुका है, यानी कि इसे यूजर आसानी से यूज कर सकते हैं। ट्विटर ने इसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर कर दी है और कहा है कि कमेंट के साथ किए गए रीट्वीट्स को कोट ट्वीट्स कहा जाएगा।
ट्वीट्स पर कमेंट करने पर यहां पर कोट ट्वीट्स सेलेक्ट करके सभी को एक जगह देख सकेंगे। रीट्वीट्स विद कमेंट को ट्विटर ने बदल दिया है, कोट ट्वीट रीट्वीट के बगल में दिखेगा। हालांकि इससे पहले यह प्रावधान नहीं था, सिर्फ यह देखा जा सकता था कि कितने रीट्वीट्स हुए हैं। रेलवे यात्रियों के लिए जारी की गई अच्छी खबर। बिहार के दानापुर रेल मंडल के सभी प्रमुख स्टेशन के खुलने वाली ट्रेनों के टिकट चेकिंग स्टाफ को अब समाप्त कर दिया गया है। रेल यात्रियों की बर्थ ट्रेनों में सीटों की स्थिति और टिकट का स्टेटस अब एक क्लिक पर आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए टीटीई को रेलवे की तरफ से हैंडलिंग मशीन दिया गया है और अब लोगों को कागज के चार्ट से अपने टिकट का स्टेटस देखने की कोई परेशानी नहीं होगी। इसकी जानकारी दानापुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आधार राज ने दे दी और बताया है कि टीटीई को अब कागज के चार्ट से छुट्टी मिलेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है साहिल कुमार, विकास यादव, विजय कुमार, दीपक कुमार, अनुप कुमार, सौरभ कुमार, गोस्वामी वीडियो, नवीन कुमार, रवि रंजन कुमार, राजेश कुमार रंजन, गौतम कुमार, पंकज कुमार, सोमनाथ कुमार, बिट्टू कुमार, अशफाक राज, मुन्ना पंडित, शशिकांत कुमार, सौरभ कुमार, रेखा रॉय, सुनील कुमार, कुणाल कुमार, गोविंद गौतम। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार परीक्षार्थियों के लिए बिहार सरकार की तरफ से ट्रेन चलाने का फैसला छात्रों और अभिभावकों के लिए मददगार साबित होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।